हे गाइस, वेलकम बैक। मैंने कट कर लिया था कल, और अभी पिछले ऑलमोस्ट 5-6 दिनों से ही ऐसा ही हो रखा है। क्लाउडी क्लाउडी, थोड़ी सी धूप पड़ गई थी, तो आई थॉट कि इधर ही हो आता है। कुछ दिन है अभी मैं यहाँ पे हूँ स्कॉटलैंड, उसके बाद मैं इंडिया जा रहा हूँ। सो अभी मैं जा रहा हूँ रिवरसाइड म्यूज़ियम। आज होता है कि नहीं, अभी 12 बज चुके हैं ऑलरेडी। यार कितना क्लाउड होगा, ऐसा ही मौसम हो गया। मतलब देखो जरा कैसा मौसम हो रखा है यार। अच्छा पता, इंडिया ही बढ़िया है वेदर के मामले में, तो बढ़िया है। पोल्यूशन अलग बात है। तो मुझे अभी ट्रेन पकड़नी है बैरल पार्क से, बैरल से आर्टिक में उतरना है शायद मुझे, तो ज़्यादा नहीं। मेरे पास रेल कार्ड है तो 3:30 लगेगा। 3:30 कौन सा है, 3:30 अप एंड डाउन। तो मैंने टिकट ले ली है। बेसिकली आप ट्रेन लाइन एक ऐप है, तो उस पर आप ले सकते हो टिकट। और अभी आ गई ट्रेन। आर्टिक पहुँच गया था और यहाँ पे ये वॉल आर्ट इतने अच्छे बने हैं। साइड में मॉरिसन्स भी है। इस ब्रिज से जाना है मुझे 10 मिनट का वॉक है स्टेशन से, आर्टिक से 10 मिनट्स वॉक है। मैं कभी यहाँ पे आया नहीं हूँ और अभी मौका मिल गया है। अभी देखिए फ्लावर्स थोड़े थोड़े आ रहे हैं, मार्च का टाइम है, और बाय अप्रैल फिर मई जून तक तो काफ़ी ब्लूम कर जाता है ये ट्रीज। सारे ये जो पेड़ पौधे हैं सारे ब्लूम करते हैं, तो अच्छा लगता है। सन इज़ आउट बट बहुत ज़्यादा हवा है आज, थोड़ा विंडी है। कोई नहीं, एज लॉन्ग एज बाहर है सब सही है। ऐसे मेरे को ये सब घर एकोमोडेशन लग रहा है, स्टूडेंट एकोमोडेशन वगैरह सामने, पता नहीं हो सकता है स्टूडियोज। सामने जो हाईवे जा रही है M8 है, वो सिटी सेंटर आई मीन ग्लासगो फिर एडिनबरा यही जाती है टूवर्ड्स, अगर हम ऐसे सीधा जाए तो। और अच्छा है, रोड्स काफ़ी अच्छे बने रहते हैं यहाँ पे। गाड़ी हो तो बहुत फ्रीडम मिल जाता है, कहीं भी आप चले जाओ आराम से। ड्राइव वे बहुत सही है। तो ये रिवर है, आई थिंक ये रिवर क्लाइडी है जहाँ तक मुझे ध्यान है। और वो ब्रिज आप देख रहे हैं वाइट कलर की, आई थिंक वहीं जाना है। सो सामने बीबीसी का ऑफिस है, वहाँ पे लिखा हुआ है। सो This is the museum. यहाँ पर टिकट नहीं लगेगा, फ्री है, फ्री है। So here we are at Riverside Museum. ये जो है फ्री है एंट्री, तो देखते हैं क्या है अंदर।
बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात पता चली मुझे। सो शिप का नाम है एथेनिया, जो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान यूज़ की गई थी, और ये सेल हुई थी ग्लासगो से। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सितंबर 1939 में ये सेल हुई थी अटलांटिक ओशन से, और ब्रिटेन से जर्मनी जा रही थी। ब्रिटेन ने डिक्लेयर कर दिया था वॉर जर्मनी के खिलाफ। सो यहाँ पे टोटल पैसेंजर थे 1418 पीपल, लोग मर गए थे बाकी, लेकिन सब बच गए। तो ये है उसका एक मॉडल। ये एक लोकोमोटिव इंजन है और 1894 बिटवीन पर्थ एंड इंबरनेस से जाते थे, और काफ़ी हैवी ड्यूटी इंजन है ये। इस पर देखिए लिखा हुआ है, इतनी पुरानी इंजन है ये, और इनके व्हील्स ऐसे हुआ करते थे। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है आजकल के टाइम में, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही है, स्कूटर बाइक्स आ गई, उस टाइम ऐसा स्टीम इंजन जो आ रही थी उस टाइम, अपने आप में एक बहुत रिवोल्यूशनरी है। सो ये अंदर ड्राइवर का ये कंट्रोल्स हैं, बड़े ही तामझाम वाले, समझ तो बिल्कुल ही नहीं आ पा रहा। हाय सर, क्या मैन मेड इंजीनियरिंग। और ये इस इंजन का कंट्रोल्स हैं, आई थिंक इधर से कोल जाते होंगे। ये कुछ गियर लीवर लग रहा है मुझे, दो लोग चाहिए इसको चलाने के लिए, एक कोल संभालेगा और एक यहाँ पे लिखा हुआ है सारा कुछ, बैलेंसिंग एक्ट बोल रहे हैं इसको, और बाकी एक बंदा कंट्रोल करता होगा और एक बंदा कोल के लिए चाहिए होगा, क्योंकि इसको पावर मिलती रहे कोल से। और काफ़ी उस टाइम में 1890s में या 19th century बेसिकली, तभी ये सब आ गया था यहाँ पे, कितना एडवांस्ड है ये सब टेक्नोलॉजी। ये 1950s की डांस रेस्ट हुआ करती थी, बहुत ही फ्लोरल डिज़ाइन है। दिस इज पार्टी ड्रेस, और ये यहाँ पे समर ड्रेस है, क्या बात है। और अभी क्या हो गई, आई थिंक ये भी एक समर ड्रेस है। ये ग्लासगो की फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्राम है, जो कि 1898 में अक्टूबर में शुरू हुई थी, 1898, 100 साल से भी ज़्यादा हो गया इसको, तभी इलेक्ट्रिक ट्राम आ गई थी। आप देख सकते हैं फ़ोटो में ऐसा कुछ है, और ये थी वो। तो ये स्प्रिंगबर्न से सिटी सेंटर जाती थी, और क्या मतलब तब के टाइम में कितनी लग्जरी होती होगी ये, पब्लिक के लिए। कार्स इन्वेंट होने से पहले ये हॉर्स कार्ट आई थिंक चलती थी। ये छड़ी है यहाँ पे लगा के, आई थिंक ये लग्जरी लोगों के लिए होता होगा, जो लोग अफोर्ड कर सकते थे उस टाइम। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, और इन्होंने बिल्कुल प्रिजर्व कर रखा है हर एक चीज़। ये कोई इंजन आ गई, इतने बड़े टायर, बाप रे बाप। सो ये जो ट्रैक्शन इंजन है, ये एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ करते थे यहाँ के लोग, और कितनी जाइगेंटिक लग रही है देखिए।
और ये मैं बता दूँ 1920 की है, तो लोग तब से ये सब यूज़ करते थे, अभी तो काफ़ी एडवांस हो गया होगा। तो ये मैप है सबवे, ग्लासगो सबवे का, जो कि एक सर्कल है ऐसे करके, पूरा एक सर्कल है सिटी के अराउंड। मैं कई बार चढ़ा हूँ ब्यूकैनन स्ट्रीट से और केल्विन ब्रिज तक गया हूँ, हिल हैट पार्टिक, ये सारे कई बार मैं चढ़ा हूँ इस पर। तो छोटा सा है क्लाइड, ये क्लाइड रिवर बह रही है, इसके अराउंड पूरी ये जाती है, और सो ये भी काफ़ी पुरानी है, 1896 1977, ये कुछ बहुत पुराने साइकिल्स इन्होंने प्रिजर्व कर रखा है। इतनी लंबी साइकिल कोई देखी नहीं है मैंने। ये सब 1935-37 की है, ये 35 की है, तभी ऐसे स्पोर्ट्स वाले साइकिल थोड़े निकल गए थे, क्या बात है। तो ये ट्रॉली बस है, इस पर 50 पैसेंजर्स टोटल कैरी कर सकते हैं, और 50-67 ये चली थी, जिसपे ये इलेक्ट्रिक, यहाँ से इलेक्ट्रिक, आई मीन ये इलेक्ट्रिक बस है एक तरीके से ऊपर से, और उस टाइम के लिए बहुत रेवोल्यूशनरी है। अंदर घुस के देखते हैं, इस पर आई थिंक घुस सकते हैं, ऐसी कुछ थी। और ये देख सकते हैं लास्ट फेवल, ये ज़्यादा चली नहीं थी, तो इतनी सी बस थी। तो ये हट इसलिए गई थी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटर्न, ये काफ़ी कॉस्ट लगती थी इसको रन करने में, तो इन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया नॉर्मल इंटरनल कंबशन पॉड बसेस से, इन्होंने इसको चेंज कर दिया था। तो ये है सारा कुछ यहाँ पे। मेरे को बहुत ही फनी चीज़ है, साइकिल ही आप नीचे और ऊपर दोनों को ऐसे चिपका के रखा है ना, तो ऐसे पूरा एक सर्कल है भाई साहब, क्या ड्रेस है रे। यह 1980s की पोर्शे 911, ये टर्बो चार्ज इंजन थे उस टाइम की, क्या बनाया है। सो दिस इज रोल्स रॉयस फैंटम 2, ये काफ़ी लंबी गाड़ी है यार, काफ़ी लंबी है उस टाइम के हिसाब से, बहुत लंबी है, अभी भी बहुत लंबी है ये, इतनी लंबी गाड़ियाँ पता नहीं आजकल रोड में चलती हुई दिखती तो नहीं है। ये मैं इधर जा रहा हूँ, कितनी यूज है, पीछे डिकी भी है। तो ये है 1931 की रोल्स रॉयस, और आप देख सकते हैं अंदर, इधर से रिवर क्लाइड दिख रही है। सो आई थिंक दिस इज द वे, और इधर से शिप जाती थी।
भी हो गया, यहाँ पे म्यूजियम देख लिया, अच्छा लगा, और धूप भी आ चुकी है बहुत अच्छी। यहाँ पे बहुत सारी हिस्ट्री है अबाउट कार्स, बाइक, साइकिल, एवरी अदर थिंग दैट ह्यूमन इज क्रिएटेड। सो सारी चीज़ें जो इंसानों ने बनाई है, मशीन से लेके सब कुछ, तो यहाँ पे है। आप लोग आइए, और कोई भी आ सकता है, यहाँ पे फ्री है, देख सकते हैं। इट्स आई फील इट्स अ हिस्ट्री ऑफ इनोवेशन, और सब कुछ आप एक ही जगह पे सब कुछ देख सकते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ केल्विन ब्रो आर्ट गैलरी, तो यहाँ से 20 मिनट का होगा। अभी टूवर्ड्स में जा रहा हूँ केल्विन ब्रो म्यूजियम आर्ट आर्ट गैलरी में, और ये बैटरी में 17% है। सो मेरी फ़ोन की बैटरी बहुत ही कम है, अभी 17% है बस, चल जाए, चलेगा तो नहीं। केबल लेना पड़ेगा शायद,